प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम गुणोत्तर श्रेणी का अगला टॉपिक गुणोत्तर माध्य, जिसको ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक मीन भी बोला जाता है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गुणोत्तर माध्य होता क्या है, इसे समझो। पहले तीन या तीन से अधिक संख्याएं, तीन या तीन से अधिक संख्याएं, या जब तीन या तीन से अधिक संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो प्रथम व अंतिम के मध्य जो भी संख्या आती है वह गुणोत्तर माध्य कहलाती है। इसका मतलब समझना कि जब तीन या तीन से अधिक संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में आती हैं, तो प्रथम व अंतिम के मध्य जो भी संख्या आती है वह गुणोत्तर माध्य कहलाती है। इसका मतलब देखो, जैसे आप 2, 4, 8, 16, 32 और 64 ऐसे बोलते हो। अब इतना तो आपको चेक करना तो आता ही होगा, नेक्स्ट में प्रीवियस टर्म का डिवाइड करो, भाग दो तो क्या आया, 2। ऐसे इसमें किया तो 2, इसमें भी 2 ही आ रहा है, यहां भी 2 ही आ रहा है, और 64 में 32 का भाग दोगे तो भी 2 ही आ रहा है। इसका मतलब कि जीएम क्या होगा, गुणोत्तर माध्य जीएम क्या होगा बोलो, प्रथम और अंतिम, ये सब तो किसमें है, आर एन जी पी किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो प्रथम को और अंतिम को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी आपको पद दिख रहे हैं वो सब क्या है, गुणोत्तर माध्य है। ये पहला गुणोत्तर माध्य, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा गुणोत्तर माध्य। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। आपको कोई भी गुणोत्तर श्रेणी मिले तो पहला और अंतिम पद को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी पद उसमें विद्यमान है वो सभी गुणोत्तर माध्य होंगे। आप देखो, जैसे ये पहला पद है और ये आपका क्या है, अंतिम पद है, तो इसके बीच में जो भी आए वो सभी क्या होंगे, गुणोत्तर माध्य। उसके बाद देखिए, उसके बाद गुणोत्तर माध्य की एक कॉन्सेप्ट होने के बाद, अब इसमें भी हम समांतर माध्य की तरह चार कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, केस फर्स्ट, जब ए तथा बी के मध्य गुणोत्तर माध्य, जब ए तथा बी के मध्य गुणोत्तर माध्य जी हो, तब क्या केस बनता है। देखो ध्यान से, ए जी और बी किसमें होगा, आर इन जी पी, जी पी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो ए जी बी देखो ये गुणोत्तर माध्य है, तो 100% ये किसमें हो गया, गुणोत्तर श्रेणी में हो गया। अब देखिए, आपको बताया नेक्स्ट टर्म में एडजेसेंट यानी ठीक पीछे वाले पद का भाग दो तो क्या बनेगा, जी अपॉन ए बराबर बी अपॉन जी। उसके बाद क्या करो, वज्र गुणन करने पर देखो, जी को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जी स्क्वायर, और यहां क्या होगा, ए बी, और जी इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट का ए बी। देखिए अभी आप केवल इतना मान के चलो कि जी इक्वल टू रूट ए बी आता है, प्लस माइनस मैंने नहीं लगाया है, उसका अपना एक अलग मेथड है, वो जब आप ऑफलाइन क्लास में रहेंगे उस टाइम में उसकी डिटेल में बताऊंगा कि यहां पर प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं, कब आयोटा आएगा कब नहीं आएगा, ये सारा हम चीज करेंगे ऑफलाइन क्लास में। तो अभी आप केवल ये याद रख के चले कि जी इक्वल टू रूट ए बी होता है।
यहां तक हो जाने के बाद ये आपका केस फर्स्ट था जिसमें आपने ए और बी के मध्य गुणोत्तर माध्य जी लिया, तब आपने बोला ए और बी के मध्य गुणोत्तर माध्य लिया, गुणोत्तर माध्य लेंगे किसमें चला जाएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा। अब आप इसको ऐसे लिख दिया तो ये आपका केस फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आप केस सेकंड को देखिए, देखिए केस सेकंड, एन धनात्मक, एन धनात्मक संख्याओं A1, A2, A3, AN का गुणोत्तर माध्य, n धनात्मक संख्याओं A1, A2, A3, AN का गुणोत्तर माध्य, इसको कैसे बताओगे? देखो GM इक्वल टू, जब आप समांतर माध्य बता रहे थे n धनात्मक संख्याओं का तो क्या बोला था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस .. प्लस AN अपॉन में n लिखा था, लेकिन यहां हल्का सा डिफरेंस आएगा और वो क्या होगा, A1 .A2 .A3 .A4 ऐसे करते करते AN और उसके पावर में क्या आएगा, 1/n। ये बात याद रखना, यहां पर क्या आएगा, 1/n। और ये A1 .. मतलब यहां आपका ये डॉट का मतलब यहां पर दशमलव नहीं है, यहां पर ये मल्टीप्लाई से मतलब है, गुणा से मतलब है, इसको A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 गुणा A4 .. ऐसे बोला गया है। लेकिन अब आप 11th क्लास में आ गए तो आप डॉट लगाना चालू कर दिया, ट्रेडिशनल वे है, तो इसके पावर में क्या है, 1/n। अब आप नेक्स्ट केस थर्ड देखिए, अब हम केस थर्ड पढ़ेंगे, दो संख्याओं ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य, एन गुणोत्तर माध्य। और अब आप ध्यान से देखना, देखो ये ए है और ये बी है, गुणोत्तर माध्य जिसको हम जीएम, जैसे देखिए अब ए और आपको क्या बोला है, दो संख्याओं एक था बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य, जो गुणोत्तर माध्य था उसको आप क्या बोल रहे थे, जीएम, जीएम को आप क्या बोलेंगे, जी, शॉर्ट में बोल दो। तो यहां देखिए G1, G2, G3, G4 ऐसे करते करते कहां तक चलोगे, GN, और ये सब किसमें होगा, R in GP। देखिए आपने ये A है और ये आपका B है, ये आपके पास वो दो संख्याएं हैं जिनके बीच में आपने N गुणोत्तर माध्यों को प्रविष्ट कराया है, N गुणोत्तर माध्यों को रखा है। तो देखिए दो संख्याओं एक था बी के मध्य N गुणोत्तर माध्य है। अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें टोटल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं। तो देखिए एक बार आप ध्यान रखो कि ये आपके पास, और इसको आप ढक लो, आप बताओ कितने हैं, एन बचे 1 2 3 .. करते करते कहां तक गए, एन तक, और एन प्लस 1, और ये क्या हो गया, एन प्लस 2, यानी कि टोटल टर्म्स कितने हुए, एन प्लस 2 टर्म्स हो गए। उसके बाद देखिए आप टी एन प्लस 2 क्या है आपके पास, बी, एन प्लस 2 पद सबसे अंतिम पद है। देखो आप कभी इसे पहला पद मत मान लेना, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा पद है, क्योंकि पहला तो ये है। अब देखो एक मिनट के लिए, एन तो आपके पास ये है और एक ये रहा, तो एन प्लस 1, और ये कौन सा पद हुआ फिर, एन प्लस 2, तो टी एन प्लस 2 बराबर क्या है, बी। उसके बाद देखिए ध्यान देना, आप समा गुणोत्तर श्रेणी में क्या करते हो,
tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन करते हो। अब यहां अपना क्या है, n प्लस टू है, तो a a और उसके बाद a r और यहां पे क्या होगा n प्लस टू माइनस वन इक्वल टू में v आएगा। देखो tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन, यहां पर n था तो आपने यहां पर n लगाया। अब यहां पर क्या है, n प्लस टू है तो आप यहां पर क्या लगाओगे, n प्लस टू। तो देखिए a r की पावर n प्लस वन इक्वल टू में क्या आएगा, b आने वाला है। क्लियर है ना, n प्लस टू, टू में से वन को हटाओ तो क्या पे मिलेगा वन, तो यहां पर क्या हुआ a r n प्लस वन, और यहां पर क्या होगा n प्लस वन बराबर क्या होगा b बटा a। अब देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गया है और मैं लिखता हूं r बराबर b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये आ गया अपने पास r का वैल्यू, लेकिन ये कैसे आया उसे समझो आप। जैसे मैं लिखता हूं x स्क्वायर इक्वल टू आप 4 बोल दो तो ऐसे लिखते हो x स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। देखिए यहां मैं आपको प्लस माइनस करना नहीं बता रहा, केवल मैं जो इसकी जो घाते हैं उनको बता रहा हूं। आप ऐसा भी कर लो चाहे, इससे भी बेटर चलो इसको एक बार देख लो, x इस दोनों तरफ रूट लेके देखो तो x स्क्वायर की पावर 1/2 और यहां पे 2 स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए, तो x इक्वल टू 2 आया। अब वो छोड़ो प्लस माइनस 2 आएगा उसको मैं नहीं बता रहा अभी, केवल आप इतना मान के चलो कि जो इस तरीके से आते हैं उनको आप क्या करते हो कैंसिल आउट कर लेते हो। ऐसे देखो x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, अब आप क्या कर रहे हो x इक्वल टू वर्गमूल लेते हो तो क्या करते हो अंडर रूट दो, अंडर रूट दो क्या लिखोगे 1 अपॉन 2 करोगे कि नहीं करोगे। x स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 का क्या कर दो अंडर रूट। भाई आप इसको ऐसा लिखते हैं और इसको क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा, इसका मतलब ये 2 कहां गया 1 अपॉन 2 में गया कि नहीं गया, जब वर्गमूल लिया तब x किसमें हो गया 2 की पावर 1/2। ऐसे देखो आप ऐसा भी कर सकते हो x cube इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू क्या होगा 5 की पावर 1/3 होगा क्या नहीं होगा, ये जो पावर है ये 1 अपॉन में चला जाता है। ऐसे देखिए ये जो r की पावर n प्लस 1 है जब आपने r किया है उस टाइम ये क्या हो गया 1/n+1 हो गया। इस प्रकार से आपने r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, आपने r इक्वल टू b अपॉन a 1/n+1 तो सीख लिया है। उसके बाद देखिए जो हमारा मेन मकसद था वो इसमें क्या है कि जो हमारे ये n गुणोत्तर माध्य हैं इनकी वैल्यूज को कैसे हम निकाल पाए उसको समझना है। अब देखिए g1 इक्वल टू क्या होगा ar, g2 इक्वल टू क्या होगा ar स्क्वायर। ध्यान देना जैसे आपने जब गुणोत्तर श्रेणी का मैंने आपको व्यापक या फिर आप सामान्य तरीके में लिखना सीखा था ar square ar cube ऐसे करते करते ar की पावर n माइनस 1 तक गए थे, तो उसके बाद देखिए ये a है वो तो सेम है, उसके बाद g1 क्या होगा ar, देखो सेकंड और ये सेकंड, ऐसे ये सेकंड और इसका ये थर्ड और इसका थर्ड देखो, ऐसे इसका फोर्थ और इसका फोर्थ देखो, तो क्या होगा g3 इक्वल टू क्या होगा ar क्यूब, g4 इक्वल टू क्या होगा ar4। देखो सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, ऐसे देख लो ये सेकंड है थर्ड है फोर्थ है, कंपैरिजन कर लो तुलना। ऐसे करते करते देखो 3 का 3 आया, 2 का 2, 1 का पावर 1 है, 4 का 4 पावर है, तो जी एन करोगे तो क्या आएगा ए आर की पावर एन, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। इस प्रकार से हमने दो संख्याओं ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्यों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कर लिया है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और केस 4 को करेंगे।